जो प्रतिभावान छात्र हैं जिन्होंने हाई स्कूल या 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको ये सम्मानित करते हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं वो? सर, आपने सम्मानित किया है अभी संजू राणा जी को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और इस पावन पर्व पर अवसर पर हमारे संगठन के माध्यम से संजू राणा को, जो कि हाई स्कूल में 91% मार्क लेके आई और हमारे थारू समाज और हमारे राणा समाज को काफ़ी गर्व महसूस है और हम काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, इसलिए आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम सभी मंच के सभी आदरणीय लोग संजू राणा को सम्मानित करने आए हैं और हम यही चाहेंगे कि वो आगे चलकर स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक राणा थारू समाज का नाम रोशन करें, और इसी बात के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने हमारा नाम है बहुत ही गर्व है, नाम है बहुत ही अच्छे रोशन किया है और हमारे थारू समाज को बहुत उनके ऊपर गर्व है। इसी बात के लिए मैं बस यही अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राणा युवा परिषद ने आपको सम्मानित किया है, आप क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि यह इतने बड़े लोग मेरे घर आए राणा युवा परिषद के, इनको मैं पूरा धन्यवाद करना चाहूँगी। इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और ये इस तरह मेरी मदद करते रहे तो मैं अपना सपना साकार करने में सफल रहूँगी। सर, मैं युवा राणा परिषद का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो हमारी छात्रा संजू राणा जी को सम्मान दिया है और हम संजू राणा को हमारी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमारी ग्राम पंचायत का इन्होंने मान बढ़ाया है और हम इनकी आशा करते हैं ये भविष्य में उपलब्धियां हासिल करें, इनका सपना साकार हो आईएएस बनने का, और हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम इन पर तत्पर राजी रहेंगे। सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और दूसरा आज 15 अगस्त तो सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, और एक तरह से जो मुझे गाइडेंस मिली है मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ, और आगे निरंतर थारू युवा कल्याण के लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। जी सर, आपने राणा युवा परिषद जो समिति है आपकी, तो आपने जो प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया है, अभी आपने सम्मानित किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी का विषय है कि अमन जो एक कृषि परिवार से हैं, ज़्यादा कोई बड़े परिवार से नहीं है, एक मध्यम परिवार से हैं, जो कि अपनी कड़ी मेहनत से इन्होंने 88%, जो कि बहुत बड़ी बात है, साइकिल से स्कूल जाना, बाकी घर का भी कार्य करना, अपने पिताजी का हाथ बढ़ाना, इन सब को लेके एक अच्छा प्रदर्शन किया है 12th में, काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और इनकी जो एम है एयरफोर्स का, तो मैं आशा करता हूँ वह इन्हें हम लोगों का युवा मंच का हमेशा इनको सहयोग रहेगा कि आगे बढ़ते रहें और अपनी जो इच्छा है, जो इनका एम है, वो अपना पूरा करें और हमारे युवा मंच का नाम रोशन करें, हमारे थरवाड का नाम रोशन करें, राणा समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सर, आपने सम्मानित किया, आपके क्या क्या उद्देश्य हैं ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को लेके? सबसे पहले तो मैं अपने जो थारू समाचार चैनल में जो दर्शक हैं उनको अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारा जो उद्देश्य है एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जैसे कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन हमने चुना है सम्मानित करने के लिए,